शिमारू कॉमेडी से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। महावीर योद्धा, गुड्डू भैया की जय हो। गुड्डू भैया, सुनहरे अक्षरों में जाएगी आपकी कहानी रची और चीर डालेंगे हम तुम्हारी जान बची खुची। अबे ढपोर संक, हमारा केवल लिंग सोने का है, बाकी सब कुछ अभी भी चमड़ी है जो तुमने गर्म पानी डाल के जला दिया। अब हमें परनौल लगाना पड़ेगा। साले अगर हम हार जाते तो हमारा ही मुर्गा लड़ा दिया तुम। सो सारी गुड्डू भैया, पर हमें पूरा यकीन था कि आप जरूर जीतेंगे, वरना आपके लिंग से सारी बिलिंग भरनी पड़ती। सट अप लड्डू, अभी केवल 5 लाख का ही इंतजाम हुआ है, बाकी 5 लाख कहां से लाओगे उल्लू के पट्टे? कमबख्त हमारा तमाशा बना रखा है। उफ तमाशा। गुड्डू भैया की जय हो। आओ घटोत्कच, क्या समाचार लाए हो? आदेश प्रभु। तमाशा, आओ चिरौंजी लाल, तुमसे कुछ बात करनी है। आइए, बाद में बात करते हैं। आइए। स्वामियों के चेहरे पर तेज होता है, आंखों में चमक होती है, पर स्वामी सुनेखनंद जी के लंगोट में चमक है। एक ऐसी सुनहरी चमक जो उन्हें भविष्य की झलक दिखाती है। पाठक जी, हमें बताइए स्वामी जी के शक्तियों का राज क्या है? स्वामी जी ने 20 साल से हिमालय पे घनघोर तपस्या की। एक दिन अलौकिक शक्ति की कृपा हुई और उनके जांघों के बीच में दिव्य लौ प्रकट। जीते रहो। स्वामी जी, मैं पिछले 5 सालों में तकरीबन 50 बार अपने धंधे बदल चुका हूँ, कोई चलता ही नहीं, कोई उपाय बताइए ना। तुम केवल अपनी आंखें बंद करो और इस सोने की रोशनी को देखो। जी, आंखें बंद कर लूंगा तो फिर देखूंगा कैसे? मूर्ख, बहस मत करो। शांत वीरभद्र शांत। तो बताओ वत्स, क्या खाते हो तुम आटा? जी। तो त्याग दो, क्योंकि आटे से होगा केवल घाटा। अगर खाओगे बंद गोभी तो दुकान बंद होगी, अगर खाओगे मटर तो डाउन होगा शटर। प्याज से बढ़ेगा ब्याज और सॉस से होगा सिर्फ लॉस। इसीलिए खाओ केवल दाल और कमाओ ढेर सारा माल, और जाते जाते इसके झोले में जाओ थोड़ी सी दक्षिणा का। जय हो स्वामी जी की जय हो। जीते रहो। सी यू। स्त्रीलिंग गुड़मुड़मुड़ पुल्लिंग गुड़मुड़मुड़ टिंग टिंग। जय हो स्वामी जी की। गुड्डू भैया, 10 लाख रुपए हो गए। अरे तो भैं बंद करो ये सब तमाशा, चलो यहाँ से। आइए आइए स्वामी जी। दो एक साथ। स्वामी सुनेकानंद और गुड्डू महाराज, हमारी समस्या का समाधान नहीं करोगे स्वामी जी? हमें सोने की एक गन की तलाश है, वो हमें कब मिलेगी? ओ सिट, आपका नाम? डॉन मारवाड़ी। गुड्डू भैया लग गए। तुमने मेरे मिसेस काजोल के साथ गंडोगोल किया। तुमने हमारी रूबी के साथ जुबी डूबी किया। अरे अरे शांति रखिए, शांति रखिए। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। क्या करता है? कराते क्यों? अरे तुम लोग गुड्डू का पीछा क्यों कर रहा है? गुड्डू की गन पर सिर्फ मेरा हक है। गुड्डू ने मेरे बीबी का इज्जत लूटा है, मैं भी उसका इज्जत लूटूंगा। वो गन मेरा है, मेरा। गुड्डू की गन को सबसे पहले मेरी मंगेतर ने देखी थी, तो मेरी हुई। एंजेलिना जोली पिछले साल कोलकाता आया था, मैंने उसको पहली बार देखा था, तो क्या एंजेलिना जोली मेरा हो गया? गुड्डू सबसे पहले इसको मिलेगा कैनसी का। चलो चलो। हेलो लड्डू, एक काम करो तुम सीधा काली भंडार पहुंचो, हम वहीं आ रहे हैं। अरे आप हैं कहाँ? अबे हम आ रहे हैं, तुम वहीं पहुंचो जल्दी। अच्छा हाँ। अबे सुन क्या कहाँ है? लाओ लड्डू पैसा निकालो, वो काली का बाप का मुंह पे मार के आएंगे। अबे पैसा दो, किससे बात कर रहे हो तुम? हैं तुम कौन हो? अब ये लाइट को क्या हुआ? सरिता इन्ना सर, टर्न इट ऑन। थैंक यू थैंक यू। डॉक्टर गंदे क्या गंदे डॉक्टर
मेरे को गंदा डॉक्टर बोला, तुम साला भुकत मेरे को गंदा डॉक्टर बोला, तुम गंदा, तुम्हारा खानदान गंदा, तुम्हारा बाप गंदा। अरे डॉक्टर, मेरा वो मतलब नहीं है, मेरे कहने का मतलब है कि डॉक्टर मुझे गुड्डू की गंदे। अम्मा भले ही वाह सर, तुम साला भुगत गौन दिखा के गौन मांगता है। हट। अच्छा बोलो मुझको, गौन के साथ गोली चाहिए फ्री? ऑफ कोर्स साला लालची। एक मिनट। आप क्या चाहिए और? बिना गन के ही कहीं मर तो नहीं जाएगा ना? जो गौन दाग दफायर न कर सके, उस गौन का होना न होना एक बराबर है। चुप इट। मिशन सक्सेसफुल। मैं आपको इसके लिए 2 लाख दूंगा। मेरा लास्ट ऑफर 25 लाख है। टेक अवे और गो ओनली। 25 लो एडवांस। ये हुई ना बात। आप लोगों को जो चाहिए था आपको मिल गया। इफ यू डोंट माइंड कैन आई टेक सम पिक? आप लोगों का नहीं इसका। अच्छा थैंक यू। द गोल्डन गन। तू भी क्या याद रखेगा रिपोर्टर, टेक योर पिक। ये किसका नूनू है? और किसका? गुड्डू का। क्या गारंटी है ये तुम्हारा नूनू नहीं है? सर मेरा नूनू मेरे पास है। एग्जैक्टली, हर आदमी का नूनू उसके साथ जुड़ा रहता है। इसके पीछे बहुत लंबी कहानी है सर। कहानी बनाना छोड़ो त्रिपाठी, अगर ये स्टोरी अपने चैनल पे चलानी है तो मुझे गुड्डू और उसका नूनू साथ में जुड़े हुए चाहिए। तुम और तुम्हारे दिमाग की तरह अलग अलग नहीं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि गुड्डू और उसका नूनू साथ में जोड़कर दिखाऊंगा आपको। गन काट के ले गया। 48 घंटे हैं तुम्हारे पास, 2 दिन, सिर्फ 2 दिन गन ढूंढ कर वापस लाने के लिए। अगर 2 दिन में अपनी गन ढूंढ कर नहीं ला पाए तो तुम हमेशा के लिए बेगन हो जाओगे। हाँ। गुड्डू भैया, हमको लगता है ये पौधा फिर से उगाएगा। आप टेंशन मत लीजिए ना, दारू पीजिए। तुम साला चुप करो। एक काम ढंग से होता तुमसे, ना तुम पकड़े जाते ना हम बेघर होते। सारा पैसा भी लगे वो लोग, हमारा जिंदगी में सब बेवकूफ लोग भरे। एक तुम हो, दूसरी वो बदशकल बदसूरत काली जिसे जबरदस्ती गले लगाना पड़ रहा हमें। आज ना हमको एक बात समझ में आ गई गुड्डू भैया, जो भी है ना सब यही है इसी दुनिया में, स्वर्ग नरक सब यही है। जो जैसा करेगा ना उसको यही भुगत के जाना पड़ेगा। और आपके साथ जो हुआ है ना गुड्डू भैया, बहुत सही हुआ है वो। आपको किसी की परवाह नहीं है, आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। इतना सब कुछ होने के बाद भी आपने सबक नहीं सीखा है, आपको बस लेने की पड़ी है। जो सामने आया उसकी ले लो, क्योंकि अपने आगे आपको कोई दिखता नहीं ना। उस भोली का दिल तोड़ दिया आपने और उसके जैसी न जाने कितनी लड़कियां होंगी।
जब शरीर पे चोट लगती है ना गुड्डू भैया, तो मुंह से गाली निकलती है, पर जब दिल पे चोट लगती है ना तो मुंह से बद्दुआ निकलती है। दुआएं लीजिए गुड्डू भैया, आशीष लीजिए, बद्दुआएं मत लीजिए। और खोट हम में नहीं है गुड्डू भैया, खोट आपके दिल में है, वरना क्या वजह है कि वो काली आपको पसंद नहीं कर रही है? आपके लिए लड़की पटाना कोई मुश्किल काम है? काहे नहीं पटा पा रहे हैं उसको? क्योंकि वो जानती है कि आपके दिल में खोट है। आपने कभी सच्चे दिल से उसको चाहा ही नहीं है। हम मिले उस लड़की से और मिलते ही समझ गए थे वो बहुत सुलझी हुई लड़की है गुड्डू भैया, पर आपको उससे क्या? आप तो बस खूबसूरती के पीछे भागते हैं, ऊपरी खूबसूरती, तो भागिया। एक बात हमारा याद रखिएगा गुड्डू भैया, खूबसीरत खूबसूरत से बहुत बड़ा होता है। तुम साला, तुमको बहुत मारेंगे। देखिए देखिए, कॉल छोड़िए सर, कॉल छोड़िए सर। देखिए मैं जानता हूं कि आप लोग मुझसे नाराज हैं, लेकिन मुझे सिर्फ अपनी स्टोरी से मतलब था और कुछ नहीं, और वो भी मुझे नहीं मिली। लेकिन मैं आपके पास एक ऑफर लेकर आया हूँ। अबे गुड्डू भैया की गन ले जा चुके हो, अब क्या जान लेने आए हो? नहीं जान का मैं क्या करूँगा? अबे तुमको चप्पल से मारेंगे। हाथ से बात मत कीजिए, देखिए हाथ से बात मत कीजिए, बता दीजिए। सुन तो लो क्या बोल रहा है, काय आए बे तुम? मैं तुम्हें तुम्हारी गन लाने में मदद करूंगा, बदले में तुम्हें अपनी गन के साथ एक इंटरव्यू देना होगा और एक एक्सक्लूसिव फोटो। मंजूर है तो बोलो। Old is gold, Mr. Pyare. This is very rare piece. What? Only one of its kind in the whole world. Wow. Yeah. How much for it? 50 lakhs in Indian currency. Very cheap. Deal. हम उससे मिले उससे पहले हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। हम तुम्हारे साथ कल बहुत बदतमीजी से पेश आए लड्डू, सब शराब भी गिरा दिया तुम्हारे ऊपर, गलत किया, हमें माफ़ कर दो। अरे गुड्डू भैया क्या बोल रहे हैं आप? आप हमारे आइडल हैं, आपका तो हक बनता है। हम ही जोश जोश में कुछ ज़्यादा बोल दिए शायद। नहीं रे, तुम कल बात बात में बहुत बड़ी बात बोल गए, बहुत बड़ी बात। अरे गुड्डू भैया, अच्छा ये छोड़िए, इमोशनल अत्याचार मत कीजिए, लोग देख रहे हैं उल्टा मतलब निकालेंगे। तुम ना साले, पूरा इमोशनल मोमेंट का माप भाई फाड़ में जाओ। ए काली, देखो हम तुमसे आखिरी बार पूछ रहे हैं, बनोगी हमारी घरवाली? अरे भाग चलो हमारे साथ। गुड्डू, हम जानते हैं तुम हमसे सच में शादी करना चाहते हो। हाँ। पर तुमने आने में देर कर दी। आज हमारी शादी है, और अगर हम अभी तुम्हारे साथ भाग गए तो बाबा जी किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। मुंह दिखाने लायक? अरे पागल, हम किसी को कुछ भी दिखाने लायक नहीं रहेंगे। देखो काली, अगर तुम हमारे साथ सीधी तरह से नहीं चली ना तो हमें जबरदस्ती करनी पड़ेगी, हमारे पास और कोई चारा नहीं है। हम खुद नहीं भाग सकते, पर अगर कोई हमें भगा के ले जाए तो हम क्या कर सकते हैं? अरे अब कौन आएगा भगा? अरे ये गाड़ी तुम्हारी है? चलो जबरदस्ती ले जा रहे हैं, जबरदस्ती ले जा रहे हैं, बैठो। आई आई जल्दी जल्दी भगाओ, चलो भगाओ, भगाओ किसको भैया? अरे रुको रुको, अरे गाड़ी रोको, हम ले गए, जल्दी चलो। अरे गाड़ी अपने आप आगे चल रही, रोको क्या हो यार? अरे अरे क्या सुना दिया? अरे अरे अपनी मर्जी से भागी थी। पहले बोलना चाहिए ना, वार्निंग नहीं दिया तुम लोग मेरे को? अरे वार्निंग बोले तो क्या मार दोगे? अरे वो छोड़ो, अभी कभी ठीक होगी। अब एक घंटा, एक घंटा, एक घंटा में हो जाएगी ना? कमाल है, ठीक है अभी आराम। अरे पूछना चाहिए ना कुछ, जबरदस्ती बेचारी को बेहोश कर दिए अपनी मर्जी से। लड्डू तुम ये बाजू आके बैठो यार। काहे भैया? अरे जगह बदली करो यार, काहे पूछ रहे हो? यहाँ खिड़की नहीं खुल रही, गर्मी लग रही है।
उसको हम संभाल लेंगे, तुम आओ। हाँ? ज्यादा टेंशन ना लो, तकलीफ में ना आ जाए। अरे तकलीफ साले तुम हो, जल्दी आओ। गुड्डू भैया, अब साले इतना लंबे हो, मैं छोटा है। इतना टचिंग कर रहे हो, आराम से जाओ। आई देखो खिड़की है ना, यहाँ पे हवा आएगा। अरे ये कैसा गलत बेहोश होती है बार बार। तुम बैठो, हम संभाल लेंगे इनको। लाओ लड्डू चाकू दो जल्दी। हाँ भैया, अभी साले ही का है। इसमें वो चाकू का अटैचमेंट है। अबे घटे किडनैप करना है, नाखून नहीं काटने। भैया इतना पैसा में इतना ही मिलेगा। अरे गुड्डू तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दांत से खोलो भैया, दांत से। अरे इसे खाओगे क्या इसे? रुक जाओ यार। हाँ, अब चुपचाप हमारे साथ चलो वरना हलाल कर देंगे। अरे गुड्डू तुम्हें ये चाकू दिखाने की क्या जरूरत है? तो मुझे जहाँ बोलोगे मैं वैसे ही तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। अरे हाँ, हलाल तो तुम पहले ही कर चुके हो। अरे छोड़िए, हम आपका किडनैप कर रहे हैं, चलिए साथ। अरे किडनैप? बच्चों के अलावा मैं नहीं जा रही हूँ, इन्हें साथ में लेना ही पड़ेगा। अरे पिकनिक पर नहीं जा रहे, किडनैप कर रहे हैं, चलो। तो फिर मैं नहीं आ रही। अरे रुकी गाड़ी में जगह नहीं, समझा करो। बच्चों को साथ में। अरे काहे गुंडा। अच्छा पकड़ो पकड़ो। अरे चल रहे चल रहे, चलो गाड़ी में बैठो। आजा पिंटू वाले भी लेकर जाने। चलो पुलिस तुम्हारा इंतजार कर रही है। करने दो, डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया एक बात। हेलो। हां ए डॉन, हम गुड्डू बोल रहे हैं और तुम्हारा बीबी हमारा कब्ज में है। कब्ज नहीं भैया, कब्जा होगा ना, कब्ज तो तब होता है जब आपकी टट्टियां बंद हो जाए। हेलो। हाँ, तुम्हारा बीबी हमारा कब्जे में है। तो क्या बकवास कर रहा है, हमने उसका चीर हरण कर लिया। अपहरण? अपहरण? चीर हरण? साले तुम ही दे दो धमकी, तुम्हें सब आता है किडनैपिंग के बारे में। सॉरी, हम सपोर्टिंग एक्टर है, सपोर्ट कर रहे थे। हेलो, सॉरी फॉर डिस्टर्ब। तुम्हारा बीबी हमारा कब्जे में, और साले अगर हमको एक घंटे में हमारा गन नहीं मिला ना, तो तुम्हें तुम्हारी बीबी कभी नहीं मिलेगी। मैं मत कर वापस, मैं दूसरी ले आऊंगा। वैसे भी वो तेरे साथ ज्यादा खुश रहती है। मैं क्या बोल रहा हूं? हेलो हेलो, तुम्हारा बीबी के साथ साथ तुम्हारा कच्चा भी हमारे साथ है। बच्चा 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 भी हमारा साथ है। ए गुड्डू, तूने हमारे बट्टू को हाथ क्या लगाया? क्या बस साले अभी हाथ न लगाए, लेकिन एक घंटे में हमें हमारा गन ना मिला ना, तो उन्हें ठिकाना जरूर लगा देगा, समझे? ओवर एंड आउट। गुड्डू क्या हुआ बॉस? भैया ओवर एंड आउट वाज वेरी नाइस। अच्छा दिया ना, हमें भी लगा ऐसा। हाँ आंटी मुशाय। हेलो, मुझे गुड्डू की गन वापस चाहिए। अरे डॉन मुशाय, ओल्ड इज गोल्ड एंड सोल्ड इज सोल्ड। देखो आंटी, एक मेरी बीवी बच्चे गुड्डू के कब्जे में है, वो उन्हें मार डालेगा यार। अरे मैं सब सब समझता हूँ डॉन मुशाय, सब समझता हूँ। आपको कोई बकरा मिल गया है और नियत बदल चुका है। हाँ। अरे नहीं यार, मेरा यकीन करो। देखो अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें 30 लाख दे दूंगा। नहीं 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 नहीं, चलो 40। अच्छा 50 में फाइनल करो। मैंने वो गान ऑलरेडी एक टार्किस कस्टमर को भेज दिया है। अबे साले, कब से केबीसी खेल रहा है, पहले नहीं बता सकता ना? केबीसी क्या? मैं कब से बना रहा है चूजिया। जाओ से कन वापस ले। क्या नहीं 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 नहीं, नहीं कर सकता। एंटी सर, किडनैप किडनैप हो गया सर, किडनैप हो गया। किसका? मेरी फूल जैसी बेटी का। अच्छा, और मुझे पूरा शक है कि ये काम गुड्डू नाम के किसी लड़के का है। अच्छा, आज मेरी बेटी की शादी भी है सर। तो आपको FIR लिखवाना पड़ेगा। अच्छा। आपके पास कोई फोटो वगैरह है लड़की का? हाँ है ना। हाँ, ये मेरी फूल जैसी बेटी। हमें भूख लग रही है बेटा, बहुत भूख लगी है। तुम्हें भी भूख लगी है? हाँ, अभी खाना खिलाएंगे। बच्चों को भूख लगी है, किसी रेस्टोरेंट पे रोको। पागल हो क्या? अरे गुड्डू भैया, यहाँ आगे ना एक बहुत अच्छा होटल है, वहाँ माचेर झोल मिलता है, बहुत बढ़िया, वहाँ रुक ले। अरे चुप करो माचेर झोल, ऐसा कैसे रोक दे गाड़ी, किसी को शक पड़ जाए तो? अगर तुमने इन्हें खाना नहीं खिलाया ना, तो ये इतना चिल्लाएंगे कि किसी को नहीं सभी को शक पड़ जाएगा। गाड़ी रोको। रोक दो फिर। तो आप खा लो अम्मा। अरे तुम खुद क्या खा रहे हो, बच्चों को खिलाओ ना, बच्चों को। थोड़ा लो, खाओ खाओ खाओ, भूख लगा है। मेरे से मेरे हाथ से खाओ ना थोड़ा। और कुछ जूस वगैरह लीजिएगा क्या? और कुछ साले पिकनिक मनाना है क्या? जल्दी आओ। हां जूस पिएगा पागल। जूस बच गया, अब हम पी सकते हैं जूस। अरे काली, अरे तुम ठीक हो ना? सॉरी, सरिता ने तुमको गलती से बेहोश कर दी, उसको कुछ पता नहीं है ना? तुम्हारा सर भर ठीक है ना? कुछ खाओगी पियोगी, तुम ठीक हो ना? हाँ, वो लोग बस खाना खा रहे हैं, अभी चलेंगे यहाँ से। थैंक यू गुड्डू,
थैंक यू किस लिए? हमें किडनैप करने के लिए। मेंशन नॉट। पता है, हम जिस लड़के से शादी कर रहे थे, हमें लगा कि वो हमें पसंद करता है, इसलिए शादी करना चाहता है। पर पता चला बाबूजी उसे 10 लाख रुपए दे रहे थे हमसे शादी करने के लिए, और आज सुबह उसने 5 और की मांग की। बाबूजी अपनी दुकान बेचने चले थे, पर हम इतने खुदगर्ज नहीं हैं। हम सोच ही रहे थे कि क्या करें। इतने में तुम आ गए, इसलिए थैंक यू फॉर किडनैपिंग। काली, तुम्हें पता है कि हम तुमसे शादी क्यों करना चाहते हैं? आपके उस प्रॉब्लम के बारे में लड्डू ने हमें उसी रात सब कुछ बता दिया था। तभी हम सोच रहे थे आप हमारे पीछे हाथ धोकर क्यों पड़े हैं। फिर सोचा कि अगर हम एक दूसरे के काम आ सकते हैं तो इसमें हर्ज क्या है। मतलब हम एक दूसरे के साथ केवल मतलब के लिए ही हैं? शायद। हमें तो अभी अभी ऐसा लगने लगा था कि हमारे बीच में कोई लिंक है। है? लिंक है, ऐसा कनेक्शन जैसा लगा था हमको। आपका और हमारा क्या मेल है? मतलब कहा आप दिन हम रात, दिन और रात का कोई मेल नहीं। मेल है। हर दिन में ना एक वक्त ऐसा होता है जब दिन और रात जरूर मिलते हैं, और जब वो मिलते हैं ना तो पूरा आसमान में जादू सा हो जाता है। शायद इसीलिए उसे मैजिकार कहते हैं, मैजिकार। पर ऐसा होता है ऐसा।